हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के क्लास में हम लोग जो हैं केमिस्ट्री का जो बेसिक्स है उसका पार्ट थ्री करेंगे, ठीक ना। जिसमें आज हम लोग मेनली एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे ही कम्प्लीट हो जाएगा फिर हम लोग सीखेंगे रेडिकल्स के बारे में, जो आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेडिकल्स है, जो आपके फॉर्मूले में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, है ना। उस सभी रेडिकल्स के बारे में सीखेंगे, ठीक ना। जैसे कि हाइड्रोक्साइड है, आपका क्लोराइड है, कार्बोनेट है, सल्फेट है, और भी बहुत कुछ है, इसके बारे में देखेंगे, ठीक ना। और जैसे ही रेडिकल कंप्लीट हो जाएगा हम लोग सीखेंगे फार्मूला बनाना, कि फार्मूला कैसे बनाते हैं, ठीक ना। फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग एटोमिसिटी और मॉलिकुलर मास, ये सब तीनों चीज़ साथ में सीखेंगे। तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही देख लेते हैं पहले, ठीक है ना। ओके चलो, तो हेडिंग बना लीजिए आप लोग। ओके देखिए, हेडिंग तो बनाई। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो हमें सब बेसिक नॉलेज है, अच्छे से पता है, ठीक है ना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग एक एक करके सबका देखेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको मेनली न्यूक्लियस को ड्रॉ करना होता है और उसके ऑर्बिट को ड्रॉ करना होता है। न्यूक्लियस में हम लोग न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को रखते हैं, और जो ऑर्बिट्स उसमें इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन की, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? वन होता है, ठीक है ना। ओके, मास नंबर भी इसका वन होता है। हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर से मतलब है, ठीक है ना। तो देखिए, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा कितना होगा? वन होगा। कितना होगा? वन होगा, ठीक है ना। अब पहले क्या करेंगे, हमें पता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो भी वन होगा, जो प्रोटॉन होगा वो भी वन होगा, और न्यूट्रॉन तो इसमें होता ही नहीं है, न्यूट्रॉन जीरो होता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूक्लियस ड्रॉ कर लेंगे। न्यूक्लियस ड्रॉ कर लिया, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रखते हैं। तो न्यूट्रॉन आपका है बिल्कुल भी एक भी नहीं है, जीरो है, और प्रोटॉन आपका कितना है? केवल वन है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा हुआ? वन, यानी ये फर्स्ट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअली वन के जगह टू होगा तो भी फर्स्ट ही सेल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट सेल है, तो फर्स्ट सेल के अंदर ये जो है ना एक इलेक्ट्रॉन है, समझ में आ रहा है। ये वन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है सेल को नहीं, ये वन रिप्रेजेंट कर रहा है उस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना? केवल एक इलेक्ट्रॉन है। तो सेल कितने बनाएंगे? केवल इसमें एक सेल बनाएंगे, है ना। एक सेल बना दिया, और एक सेल बनाने के बाद हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पुट कर दिया। अब यहीं पर थोड़ा सा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये तो ई माइनस यूज कर सकते हो, या फिर आप जो है क्रॉस यूज कर सकते हो, या फिर आप हॉलो सर्कल यूज कर सकते हो, ठीक है ना, या फिर आप डार्क सर्कल भी यूज कर सकते हो। ये तीनों में से आपको चार मैंने बता दिया रिप्रेजेंटेशन का तरीका, आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो जो आपको सुविधा लगे, ठीक ना। तो ये किसका है? हाइड्रोजन का, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे हीलियम का। तो देख लीजिए हीलियम का, हीलियम का देखिए, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हीलियम का एटॉमिक नंबर आपका टू होता है, ठीक ना। मास नंबर कितना होता है? मास नंबर इसका फोर होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका केवल टू, क्योंकि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, ठीक ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन आपका हो जाएगा कितना? टू। प्रोटॉन भी आपका सेम है, प्रोटॉन भी आपका टू ही होगा, ठीक ना। न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? फोर माइनस टू, ये भी कितना हो जाएगा? टू हो जाएगा, ठीक ना। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूक्लियस बनाएंगे। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रखेंगे, न्यूट्रॉन भी आपका टू है, प्रोटॉन भी आपका कितना है? टू है। सेल आपका कितना होगा? केवल एक ही सेल होगा, ये हमने एक सेल बना लिया, ठीक ना। और इसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, क्लियर हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो है हीलियम का हो गया, ठीक ना। थर्ड हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे? हीलियम के बाद क्या होता है? लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर थ्री, मास नंबर कितना होता है? सेवन होता है ना। इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा? आपका थ्री हो जाएगा। प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा? वो भी आपका थ्री हो जाएगा। न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा? सेवन माइनस थ्री, फोर हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कितना? टू कॉमा वन। अब ये टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थ्री है, लेकिन सेल कितने हैं? केवल दो सेल हैं, ठीक है ना, दो सेल है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले फर्स्ट आप न्यूक्लियस ड्रॉ करोगे। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रखोगे तो फोर प्लस कितना रखेंगे? थ्री, ठीक ना। और दो सेल बना दीजिए, ये हमारा फर्स्ट सेल हो गया और ये हमारा सेकेंड सेल हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक ना, और एक इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में। तो देखिए, यहाँ पर आप एक नॉलेज गेन कर लीजिए, ये एटम का न्यूक्लियस होता है, और ये जो है ना एटम का फर्स्ट सेल है,
ये एटम का सेकेंड सेल है, ये एटम का थर्ड सेल है, ठीक है ना। ओके, तो देखो ये आपका क्या है, न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटोन होता है, ठीक ना। अच्छा, ये जो फर्स्ट सेल है इसे नाम दिया गया के सेल। क्या नाम दिया गया है? के सेल। और के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड जो सेल है, इस सेल का नाम है के बाद क्या होता है, एल सेल। एल सेल हो जाएगा, ठीक ना। फिर नेक्स्ट जो ये जो सेल है, ये क्या हो जाएगा, एम सेल हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? एम सेल हो जाएंगे, ठीक ना। आप याद रखिएगा, पीरियोडिक टेबल में आपका टोटल जो ग्रुप होता है वो 18 ग्रुप होता है, ठीक ना। और पीरियड जो होते हैं वो टोटल कितने पीरियड होते हैं? टोटल आपके 7 पीरियड होते हैं, याद रखिएगा। यानी मैक्सिमम आपको 7 सेल ड्रॉ किए जा सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया है कि पीरियड निकालने के नंबर ऑफ सेल्स यूज करते हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स आपका 7 होगा, इसीलिए पीरियड भी कितना होगा? 7 होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो वो बेसिक बातें हैं जिसको मैंने बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ नंबर एलिमेंट की, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हमारा क्या, लिथियम के बाद बेरिलियम, है ना। बेरिलियम का 4 होता है, ठीक ना। और मास नंबर कितना है? मास नंबर जो है वो आपका 9 है, ठीक ना। तो स्ट्रक्चर फटाफट ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट सेल में आपका न्यूट्रॉन प्रोटोन आ जाए, मतलब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटोन आ जाएगा। इसमें कितने सेल बनेंगे? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा इसका? 2.2 हो गया। तो अच्छा, इसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटोन चाहिए, तो देखिए आपका जो है न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 9 - 4 - 5 हो जाएगा। अब प्रोटोन कितना है? 4 है, तो क्या लिख देंगे? 4 + 5 लिख दिया ना। अब उसके बाद इसके बाद 2 सेल बना दीजिए, ये फर्स्ट सेल और ये आपका कौन सा सेल है, ये आपका सेकेंड सेल है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। ये आपका बेरिलियम का कंप्लीट हो गया। फिफ्थ नंबर हम बात कर देते हैं, फिफ्थ नंबर क्या आपका, बोरोन है ना। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5। मास नंबर कितना होता है? मास नंबर इसका होता है 11, ठीक है ना। ओके, अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो 2.3 हो जाएगा ना। उसके बाद हम बात करेंगे आपका न्यूट्रॉन की, तो 11 - 5 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना। आपका प्रोटॉन 5 ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी 5 ही है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे। न्यूक्लियस के अंदर हम लोग प्रोटॉन लिखेंगे 5 और न्यूट्रॉन लिखेंगे 6, ठीक है ना। और कितने सेल बनेंगे यहाँ पर? फिर से 2 सेल बनेगा, 2 सेल दिख रहा है आपको साफ साफ, ठीक है ना। तो ये आपका 2 सेल हो गया। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं? मैक्सिमम 2। यहाँ पर सेकेंड सेल में कितना है आपका? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन मैंने क्या किया, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक ना। अच्छा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन को एक जगह इकट्ठा करके नहीं लिखना, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को लगे हाथ ऐसे नहीं देना। इलेक्ट्रॉन हमेशा रिवॉल्व करते रहता है, तो थोड़ा सा उसको बिखेर के लिखना है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। नाउ सिक्स नंबर हम बात करेंगे, जिसका नाम है क्या, सिक्स नंबर पे क्या है हमारा, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 2.4 होगा। न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे, 6 होगा, प्रोटॉन्स भी आपका 6 है, इलेक्ट्रॉन भी आपका 6 है। तो देखिए, न्यूक्लियस के अंदर पहले मैंने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को डाल दिया, अब 2 सेल बना दिया, दिस इज द फर्स्ट सेल एंड दिस इज द सेकेंड सेल, राइट। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3 and 4 हो गया कंप्लीट। फिर उसके बाद हम आते हैं नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, मास नंबर 14, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2.5, न्यूट्रॉन कितना होगा? 14 - 7 - 7, है ना। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, न्यूक्लियस, जिसमें हम लोग क्या लिखेंगे, न्यूट्रॉन आपका 7, प्रोटॉन भी आपका कितना है? 7। कितने सेल दिख रहे हैं? 1 और 1 - 2 सेल है, तो 2 सेल बना लीजिए, ये हमारा सेकेंड वाला सेल है, ठीक ना। तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेंगे? 2। सेकेंड सेल में कितना करेंगे? 5, 2, 3, 4 and 5, ठीक है ना। ओके, नाउ नंबर 8 हम बात करते हैं, जिसका नाम क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, मास नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 2.6 होगा ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे न्यूट्रॉन की, तो ये भी 8 हो जाएगा, प्रोटॉन भी आपका 8, इलेक्ट्रॉन भी आपका 8। तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या लिखेंगे, न्यूट्रॉन कितना है? 8। अब प्रोटॉन कितना है? वो भी 8 है। सेल कितने होंगे? 2 सेल, ये फर्स्ट सेल हो गया और ये आपका सेकेंड सेल हो गया। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे?
दो इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, सिक्स इलेक्ट्रॉन, है ना, थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन तक आपका खत्म हो गया, यहाँ तक नोट कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर नाइन क्या है आपका, फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर नाइन, मास नंबर 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.7, ठीक है ना। अब हम लोग न्यूट्रॉन की बात करेंगे, 19 - 9 कितना हो जाएगा 10, प्रोटॉन कितना है 9, सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे न्यूक्लियस, क्या लिखेंगे आपके न्यूट्रॉन है 10 और प्रोटॉन कितना है 9, ठीक है ना। फिर कितने सेल हो जाएंगे, दो सेल, दिस इज द फर्स्ट सेल एंड दिस इज द सेकेंड सेल, ठीक है ना। ये आपके क्या है इलेक्ट्रॉन दो यहाँ पर, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपके 7, 3, 4, 5, 6 and 7, ठीक है ना। ओके, तो आप जो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए तो पेंसिल यूज़ कीजिए, है ना। पेंसिल यूज़ करने के पीछे सिंपल से रीज़न है कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे गलत कर देते हो, एक्स्ट्रा कर देते हो, तो पेंसिल से रहेगा तो आप मिटा सकते हो, पेन से रहेगा तो जनरली बच्चे करते क्या, या तो क्रॉस से उसको काटते हैं या घिस देते हैं, तो अगर क्रॉस करते हो या घिस देते हो तो वो भी एक इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट हो जाएगा, समझ आया। इसीलिए पेंसिल से ड्रॉ करना है एटॉमिक स्ट्रक्चर, आपको पेन से ही ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है ना। अगर आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो गया तो बाद में बात अलग है, लेकिन एग्जाम टाइम में ये कभी आता है ना, तो आपको जो है ये पेंसिल से ड्रॉ करना चाहिए ना। 10 नंबर पे हम बात करते हैं किसकी, नियॉन की। नियॉन का बताइए एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, है ना, मास नंबर कितना होता है 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 2.8 हो जाएगा, ठीक है ना। न्यूट्रॉन आपका कितना हो जाएगा 20 - 10, 10, प्रोटॉन भी आपका कितना होगा 10 होगा। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर न्यूक्लियस ड्रॉ कर लेंगे, न्यूक्लियस के अंदर 10 न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन भी आपका कितना है 10 है, लिख दिया। अच्छा, सेल कितने हो जाएंगे, दो सेल हो जाएंगे, दिस इज द फर्स्ट सेल एंड दिस इज द सेकेंड सेल, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, ठीक है ना। ओके ओके, ये नोट कर लीजिए। नाउ नंबर 11, नंबर 11 की हम बात करते हैं, इसमें आपका जो है ये क्या है, बहुत ही फेमस सोडियम है ना, सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर कितना होता है 23, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 2.81, ठीक है ना। अच्छा, न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे, 23 - 11 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले क्या ड्रॉ करोगे, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या लिखोगे 12 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितना 11, फिर क्या करोगे आप दो जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, सेल बनाओगे, दो सेल ड्रॉ कर लो, दो बनेंगे तीन बनेंगे, तीन बनेंगे, क्योंकि आपके सेल इसमें बनेंगे, आपके टोटल तीन सेल बनेंगे, है ना। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना, और आखिरी वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 12 नंबर, जो कि क्या है आपका मैग्नीशियम, क्या है मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर 12, मास नंबर 24, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2.8.2, ठीक है ना। न्यूट्रॉन आपका आपका कितना निकल के जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक ना। तो हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में आपके न्यूट्रॉन कितने 12, प्रोटॉन कितने, प्रोटॉन आपके ये भी 12, सेल कितने बनेंगे इसमें 3 सेल्स बनेंगे, दिस इज द फर्स्ट सेल, दिस इज द सेकेंड सेल एंड दिस इज द थर्ड सेल, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दो, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिप्रेजेंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया, और दो इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे कहीं भी रिप्रेजेंट कर दो, ठीक ना। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके, 13 नंबर में क्या है आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, मास नंबर 27, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 2.8.3, ठीक ना। तो आप बताओ न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन लिखिए, न्यूट्रॉन कितने हैं आपके 27 - 13, 14, है ना, और प्रोटॉन कितना 13। अच्छा, सेल कितने बनेंगे यहाँ पर, 3 सेल्स बनेंगे, 1, 2 and 3, इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दीजिए, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, और 1, 2, 3, ठीक है ना, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 14 नंबर, 14 नंबर पे क्या आपका होता है सिलिकन होता है, सिलिकन का एटॉमिक नंबर 14, मास नंबर कितना होता है 28, 28,
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है 2.8.4, है ना। सबसे पहले न्यूक्लियस ड्रॉ करो, न्यूक्लियस ड्रॉ करोगे तो इसमें आपका प्रोटोन भी 14 और न्यूट्रॉन भी कितना होगा 14 होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, दो सेल नहीं इसमें तीन सेल बनेंगे, दो एंड ये तीसरा हो गया। यहाँ पर देखो फर्स्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में फोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये 1 2, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है ना। 15 नंबर पे हमारा जो है वो है फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, मास नंबर 31 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना हो जाएगा 2.85। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे। न्यूक्लियस में आपका क्या लिखेंगे, 16 प्लस 15। सेल ड्रॉ करेंगे, कितने सेल होंगे, दिस इज फर्स्ट सेल, दिस इज सेकेंड सेल एंड दिस इज थर्ड सेल, दिस इज थर्ड सेल, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट सेल में 1 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ओके। और इसमें 1 2 3 4 5, क्लियर हो गया। नाउ नंबर 16 पे क्या हमारा सल्फर, 16 एटॉमिक नंबर, मास नंबर कितना 32। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करेंगे कितना होगा 2.8.6, है ना। अब हम लोग सबसे पहले न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे, तो न्यूक्लियस में आपके क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों 16 हो जाएगा, ओके। अब हम लोग सेल की बात करेंगे, दिस इज द फर्स्ट सेल, दिस इज द सेकेंड सेल एंड दिस इज द थर्ड सेल, है ना। तो जरा देखिए आपका जो है फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दो, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट। और इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। सो 16 तक आपका कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। 4 आपके और हैं, उसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। फोर्थ और नंबर 17 आपका क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2.8.7, ठीक है ना। सबसे पहले वी विल ड्रॉ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन कितने 18, प्रोटॉन कितने 17, कितने सेल होंगे 3 सेल्स होंगे, 1 2 एंड 3, ठीक है ना। 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया फर्स्ट सेल में, फिर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8, इसमें 7, 1 2 3 4 5 6 7, ओके करेक्ट है। चलो 17 के बाद नंबर 18 पे क्या है आपका, आर्गन। आर्गन आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18, मास नंबर कितना होता है 40, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना होता है 2.8.8, ठीक ना। सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, न्यूक्लियस, इसमें कितना हो जाएगा न्यूट्रॉन 22, प्रोटॉन कितना 18, फिर हम लोग सेल ड्रॉ करेंगे, दिस इज द फर्स्ट सेल, दिस इज द सेकेंड सेल एंड दिस इज द थर्ड सेल। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 एंड 8, इसमें 8 3 4 5 6 7 एंड 8, क्लियर हो गया। नाउ नंबर 19 नंबर पे क्या है आपका, आपका है पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, मास नंबर 39, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सिखाया था 2.8.8.1, इसमें 2.8.9 क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है और ऑक्टेट रूल बोलता है कि आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इस वजह से आपका आखिरी सेल में यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर 8 लिखेंगे फिर यहाँ 1 चला जाएगा, तो इसमें कितने सेल होंगे 4 सेल होंगे। तो सबसे पहले न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर आपके 20 न्यूट्रॉन, अब प्रोटोन कितना हो गया 19, कितने सेल हो जाएंगे इसमें 4 सेल, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल एंड फोर्थ सेल, ठीक है ना। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें इसमें 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक ना, इसमें भी 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इसमें कितने 1, ठीक है ना, हो गया। एंड नंबर 20
जिसका नाम क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर कितना हो गया 40। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे क्या होगा, 2882। ठीक ना, सबसे पहले न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे। न्यूक्लियस में आपके न्यूट्रॉन भी 20 और प्रोटोन भी 20। सेल ड्रॉ करो, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल एंड फोर्थ सेल। ठीक है ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में, दो इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, फिर 1 एंड 2। ओके, सो ये सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गए 1 से लेकर 20 तक का। ठीक है ना, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हमको अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए। तो आप क्या गलती कर सकते हो भी मैंने आपको बता दिया है, आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है और इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का 4 तरीका है, आप उसमें से कोई भी एक प्रेफर कर सकते हो। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए, हेडिंग बनाइए रेडिकल। अब हम लोग धीरे धीरे फॉर्मूला की ओर पहुंचने वाले हैं। देखो, रेडिकल का मतलब ये होता है कि रेडिकल आपका एक सिंगल एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। ठीक ना, ओके, और उस पर आपका चार्ज अवेलेबल होगा। ठीक ना, जो एक यूनिट जैसा बिहेव करता है, तो वो आपका सिंगल एटम भी हो सकता है, जैसे कि क्लोरीन से क्लोराइड बना है, तो क्लोराइड एक रेडिकल है और उस पर चार्ज नेगेटिव होता है। ठीक है ना, ग्रुप ऑफ एटम जैसे कि कार्बोनेट हो गया, CO3। ठीक ना, तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, उस पर भी चार्ज आपका क्या है, नेगेटिव है। ठीक ना, पॉजिटिव वाले भी ढेर सारे, जैसे कि पोटेशियम आयन है, सोडियम आयन है, अमोनियम आयन है, ये सारे। ठीक ना, तो हम लोग यहाँ पर जो है पहले एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि आपका जो है आयन है उसके दो टाइप्स होते हैं, कटायन और अनायन। कटायन कैसे बनता है और अनायन कैसे बनता है, फिर हम लोग रेडिकल कुछ उसके है जो इम्पोर्टेंस को लिख लेंगे। ठीक ना, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपके आयन्स की, है ना, आयन्स की बात करेंगे। आयन्स क्या होता है एक्चुअली, ये आपका कोई एटम जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक ना, तो उस पर आपका चार्ज आ जाता है। ठीक है ना, इस वजह से जो एटम हो क्या बन गया, आयन्स बन गया, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया या इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, उसे हम लोग आयन्स बोलेंगे। अच्छा, आयन्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है कटायन और एक होता है अनायन। एक होता है आपका क्या, कटायन, क्या होता है, कटायन। ठीक ना, कटायन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, है ना, कटायन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। एक एग्जांपल से देखिए, जैसे कि मान लिया हमारा ये सोडियम है, है ना, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 28.1, और मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिया, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, सब कुछ बताया है। तो आपके आउटर मोशन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वही आपका लूज होता है या गेन होता है। ठीक ना, ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब आपके आउटर मोशन में 1, 2 या 3 हो, तो वो इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज करता है। तो आखिरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। दो रहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 3 रहेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। समझ में आया, ठीक ना, तो यहाँ पर कितना एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो लूज कर दिया मतलब निकल गया ना, तो माइनस का साइन आएगा और एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर दे दिया। ठीक ना, तो अब ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा Na+, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2.8 हो गया। ठीक ना, तो देखो ये था न्यूट्रल एटम, ये क्या है आपका, ये है न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम का मतलब क्या, न्यूट्रल एटम का मतलब हो गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन दोनों सेम है। देखिए, इसमें जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 11, और प्रोटॉन निकालोगे तो प्रोटॉन कितना होगा, वो भी कितना होगा, 11 होगा, तब ये न्यूट्रल था, है ना। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल एटम का मतलब बताया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों इक्वल होता है। लेकिन अब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ये भी बन गया सोडियम आयन बन गया, क्या बन गया, सोडियम आयन बन गया, है ना, ये बन गया आपका सोडियम आयन, सोडियम आयन बन चुका है। ठीक है ना, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों सेम नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ये प्लस बता रहा है कि इसका चार्ज क्या है, और साथ ही साथ बता रहा है कटायन को भी, और ये इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया, अगर प्लस है तो इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया है, तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो जाहिर सी बात है अब इसमें इलेक्ट्रॉन, पहले 11 था, अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 हो गया। और कैसे निकाल सकते हैं, जो यहाँ पर बचा उसको जोड़ दीजिए, 8 और 2 कितना होता है, 10 होता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन आपका अभी भी उतना ही है, कितना प्रोटॉन है आपका, प्रोटॉन 11 है। प्रोटॉन क्यों लूज नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो फिक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन आपका मूव करते रहता है, और जो भी इलेक्ट्रॉन लूज होता है वो भी हमेशा आउटर मोस्ट सेल से होता है,
बीच के कहीं इलेक्ट्रॉन को हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। समझ में आ गया, इसको ध्यान रखना। तो फर्स्ट आपका कटायन हो गया, सेकेंड जो है आपका इंपॉर्टेंट वो है जिसका नाम अनायन। क्या नाम है? अनायन, ठीक है ना। अच्छा, अनायन पे चार्ज कैसा होगा? अनायन पे चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि अगर हम बोलते हैं क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन एक न्यूट्रल एटम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287, ठीक ना। मैंने बताया कि किसी एटम के आउटर मोसेल में जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 हो, 6 हो, 7 हो, है ना, ये तीन इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन करता है। तो कितना गेन करेगा? 8 से कितना कम, बस वो चेक कर लेना। 7 8 से कितना कम है? 1 कम है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यहाँ लूज कर रहा था तो माइनस आ रहा था, यहाँ पे गेन करेगा तो यहाँ पे साइन किसका आएगा? प्लस का आएगा। कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये अब क्या हो गया? ये क्लोराइड आयन बन गया। अब ये माइनस चार्ज आ गया, मतलब ये अनायन बन चुका है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? अब ज्यादा हो चुका है। ये क्या था? न्यूट्रल था, यानी ये आपका क्लोरीन एटम था। क्या था ये? क्लोरीन एटम, ठीक ना, जो कि न्यूट्रल था, और इस पे इलेक्ट्रॉन जो था वो आपका 17 था, और प्रोटॉन भी आपका कितना था? 17 था। लेकिन ये क्या है? ये आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया 28.8 हो गया, ठीक ना। और ये क्या है? क्लोराइड आयन है। क्या है ये? क्लोराइड आयन है, ठीक है ना, क्लोराइड आयन है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें अब ज़्यादा हो चुका है, पहले 17 था, ये माइनस बता रहा है। यहाँ पे आगे में कुछ नहीं, मतलब 1 छिपा हुआ है, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। तो पहले 17 था, एक बढ़ गया, तो कितना हो गया इलेक्ट्रॉन्स? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब प्रोटॉन्स जो पहले से कितना था? 18 ही था, सॉरी, प्रोटॉन्स आपका 17 था, प्रोटॉन्स आपका 17 था, ठीक ना। तो ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा, यहीं पे ध्यान रखिएगा, जो हमारा बेसिक रेडिकल होता है उसी को कटायन बोलते हैं ना, मतलब कटायन को हम लोग बेसिक रेडिकल भी बोलते हैं, बेसिक रेडिकल, ठीक है ना। और अनायन को बोलते हैं एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ओके, हाँ, इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन भी बोला जाता है, है ना, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक बातें क्लियर हो गया। अब हम लोग फटाफट कुछ रेडिकल्स हैं, उस रेडिकल्स का नाम देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो रेडिकल्स नोट करते हैं। देखिए, सबसे फेमस आपका जो रेडिकल है वो है अमोनियम आयन, पॉजिटिव में अमोनियम आयन। अमोनियम आयन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है NH4+, और ये एकमात्र पॉजिटिव आयन है जिसमें दोनों के दोनों नॉन मेटल्स हैं, ठीक है ना। बाकी आप जितने भी देखोगे पॉजिटिव वाला सिर्फ और सिर्फ मेटल्स में आता है, मेटल्स ही इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ये कॉम्बिनेशन नॉन मेटल्स है, और जो भी वो भी क्या है आपका? पॉजिटिव में, यानी ये कटायन है, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखना, जो यहाँ पर चार्ज होगा वही उसका वैलेंसी होगा, और वैलेंसी हमेशा आप जो है नंबर में बोलोगे, नेगेटिव पॉजिटिव वैलेंसी को नहीं बोलते हैं, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव बोला जाता है। यानी अगर आपसे पूछे इसका चार्ज क्या है, तो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक ना। वैलेंसी कितना है, तो वैलेंसी 1 है। कितना प्लस दिख रहा है? केवल 1 प्लस दिख रहा है। अगर यहाँ पर 2+ रहता तो चार्ज आपका 2+ हो जाता, ठीक है ना, चार्ज पॉजिटिव है। अच्छा, वैलेंसी उसमें कितना हो जाता? 2 हो जाता। अभी आपका सिर्फ 1+ है, यानी 1 छिपा हुआ है, यानी इसका वैलेंसी कितना है? 1 है। समझ में आया? जो इसका चार्ज होगा वही उसका वैलेंसी होगा। क्लियर हो गया, ये ध्यान रखिए। चलो, तो कुछ हमारे फेमस उसको फटाफट लिखते जाइए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑक्साइड की। ऑक्साइड इसका होता है O2-, क्या होता है? O2-। थर्ड नंबर हमारा है हाइड्रोक्साइड। क्या है हमारा? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का होता है OH-, ठीक ना, OH-। ओके, फोर्थ नंबर है हमारा क्लोराइड। क्या है हमारा? क्लोराइड, है ना, क्लोराइड का होता है Cl-, ठीक है ना। फिफ्थ नंबर पे आ जाइए, ये हमारा होता है एक सल्फेट। सल्फेट, सल्फेट का होता है SO4-, SO4-। फिर उसके बाद सिक्स नंबर पे आ जाइए, सल्फेट के बाद सल्फाइट। सल्फाइट, सल्फाइट का होता है SO3-, ठीक है ना। और नंबर सेवन सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फाइड का होता है S, और ये 2-।
इन तीनों में डिफरेंसेस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सल्फेट SO4 2 माइनस, सल्फाइड SO3 2 माइनस, सल्फाइड S2 माइनस, सबका वैलेंसी सेम है, सब पे चार्ज नेगेटिव है, ठीक है ना, इसका ध्यान रखिएगा। नाउ नंबर 8 हम बात करेंगे फास्फेट की, इसकी बात करेंगे फास्फेट की बात करेंगे, ठीक ना। तो फास्फेट का फॉर्मूला होता है PO4 3 माइनस, ठीक है ना। नंबर 9 हम बात करेंगे कार्बोनेट की, किसकी बात करेंगे कार्बोनेट, कार्बोनेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है CO3 2 माइनस। जब भी आपसे चार्ज पूछा जाए तो चार्ज आप बता सकते हो, और साथ ही साथ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसी रेडिकल का बोले तो आप चार्ज के साथ लिखोगे, यानी अगर आपसे पूछता है राइट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बोनेट तो क्या लिखोगे CO3 2 माइनस, समझ में आया, ठीक है ना। ओके तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, कार्बोनेट के बाद होता है बाई कार्बोनेट होता है HCO3 1 माइनस, ठीक है ना। ओके अच्छा यहाँ तक नोट कर लो। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे नाइट्रेट की, है ना, नाइट्रेट होता है आपका NO3 1 माइनस, ठीक है। नाइट्रेट के बाद है नाइट्राइट का होता है NO2 1 माइनस, ठीक है ना। नंबर 13 फिर होता है नाइट्राइड, क्या होता है नाइट्राइड, तो ये होता है N3 माइनस, क्या होता है N3 माइनस, ठीक है ना। नंबर 14 नंबर पे हम लोग बात करेंगे बाई सल्फेट की, तो बाई सल्फेट इसका होता है HSO4 1 माइनस। बाई सल्फेट को हम लोग हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं, है ना, यहाँ पर बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद आपका है नेक्स्ट नंबर, वो है आपका एसीटेट, है ना, एसीटेट का होता है CH3COO माइनस। एक आपका डाइक्रोमेट का होता है CR2O7 2 माइनस, ठीक है ना। और एक होता है परमैंगनेट, है ना, इसका होता है MnO4 1 माइनस। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है, ये सारे रेडिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट रेडिकल है, इसको आप नोट कर लीजिए और ये सारा आपको याद हो जाना चाहिए। और मैंने आपको बता दें यहाँ पर जब भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोलेगा तो आपको ये पूरा लिखना है चार्ज के साथ, ठीक है ना। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज, साथ में ये ध्यान रखना आपका इसमें जो आपका चार्ज है वही इसका वैलेंसी है। लेकिन जब कोई वैलेंसी पूछे तो जैसे ऑक्साइड का वैलेंसी पूछा था, हम इसमें 2 सी बोलेंगे ना कि 2 माइनस, समझ में आया, वो माइनस चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगर इसी का वैलेंसी पूछे तो इसका वैलेंसी कितना होगा 1 होगा, वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव में, नेगेटिव नहीं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग यहाँ तक कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, तो फॉर्मूला कैसे बनता है वो बताऊंगा। फॉर्मूला जब बनाना सीख जाएंगे तो लगे एटॉमिसिटी सीख लेंगे और मॉलिक्यूलर वेट सीख लेंगे, ठीक है ना, ये थ्री आपके वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।